अगर आप अपने कर्तव्यों और अपनी जिम्मेदारियों को समझ लेते हैं तो निश्चित तौर पर आप एक मिसाल बन जाते हैं। देश की बागडोर संभाले कई ऐसे अधिकारी हैं जो अपने कर्तव्य पथ पर अडिग होकर काम कर रहे हैं, कठिन से भी कठिन परिस्थितियों में अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। स्थितियां कितनी ही विकट क्यों न हो, लेकिन जिम्मेदारी का पालन जरूरी होता है। ये लाइन ठीक बैठती है मोदी नगर की SDM सौम्या पांडे पर। IAS सौम्या पांडे चर्चाओं में है, आप उन्हें सोशल मीडिया और खबरों पर भी देख रहे होंगे। दरअसल सौम्या पांडे इस वक्त एक माँ होने के साथ साथ एक अधिकारी होने का फर्ज भी निभा रही हैं। वो अपनी नवजात बेटी के साथ अपनी ड्यूटी निभा रही हैं, वो भी ऐसे समय में जब COVID-19 के चलते लोगों को घर से निकलने के लिए मना किया जा रहा हो। सौम्या पांडे 2017 बैच की IAS अधिकारी हैं। सौम्या लबासना में गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं। अक्टूबर 2019 में सौम्या को गाजियाबाद के मोदी नगर में SDM के पद पर तैनाती मिली थी। कोरोना संकट काल के दौरान जुलाई 2020 को सौम्या गाजियाबाद में बतौर जॉइंट मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी के साथ साथ पूरे जिले की कोविड मॉनिटरिंग सेल की प्रभारी भी थी। ये जिम्मेदारी उन्हें ऐसे वक्त मिली जब वो मां बनने वाली ही थी। इस दौरान भी उन्होंने अपना काम बखूबी निभाया और बेटी होने के बाद भी बखूबी निभा रही हैं। कोविड काल में आप सब जान रहे हैं पूरे दुनिया के ऊपर ये महामारी है, तो जिम्मेदारियां सबके ऊपर बढ़ जाती हैं। अब जहां तक बच्चे का सवाल है, ये देखिए प्रभु ने नारी को इतनी शक्ति दी है कि वो अपने बच्चे को जन्म देके और उसका पालन पोषण कर सके और सृष्टि को आगे बढ़ा सके। आप देखें हमारे भारत में भी एक पूरा ग्रामीण परिवेश जो है उसमें महिलाएं अपनी डिलीवरी के अंतिम दिनों तक काम करती रहती हैं, घरेलू काम करती हैं, बाहर का भी काम करती हैं, खेतों में भी काम करती हैं और फिर बच्चे को जन्म देके घर भी संभालती हैं, बच्चा भी पालती हैं। ठीक उसी प्रकार ये एक प्रभु का आशीर्वाद ही है कि मैं अपने 3 हफ्ते की छोटी बच्ची के साथ अपना प्रशासनिक कार्य कर पा रही हूँ। और ये सिर्फ मेरा इकलौते का योगदान नहीं है, इसमें मेरे परिवार का बहुत योगदान है। जैसे बच्ची के जो नानी नाना है, मेरा पूरा एक संयुक्त परिवार है। इसी में कहते हैं कि संयुक्त परिवार का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है कि परिवार के लोग बच्चे को जितना प्यार दे देते हैं तो आप अपना काम देख सकते हैं। और ना केवल मेरा निजी परिवार, हमारा भारतीय संस्कृति तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना से चलता है। तो मेरा जो तहसील परिवार है, मेरा जो पूरा ये गाजियाबाद का एक जिला प्रशासन परिवार है, इसमें बहुत सहयोग मिला मुझे थ्रू आउट प्रेगनेंसी और डिलीवरी के बाद भी। पूरा तहसील प्रशासन जिसमें तहसीलदार, नायब तहसीलदार, तहसील के समस्त लेखपाल और समस्त स्टाफ, इन्होंने जी जान से मेहनत की और मेरा काफी कार्य संभाला और काफी टीम वर्क का एक उदाहरण दिया। सौम्या पांडे अपने कैंप कार्यालय से काम करती हैं। अक्सर उनके साथ उनकी कुछ ही दिनों की बेटी भी होती है। इससे पहले सौम्या ने प्रसव के समय 8 से 30 सितंबर तक मात्र 23 दिनों की ही छुट्टी ली थी। 17 सितंबर को उन्होंने सर्जरी से बेटी को जन्म दिया। इसके बाद 1 अक्टूबर को DM के आदेश पर दोबारा से मोदी नगर की SDM का प्रभार उन्होंने संभाला। सौम्या का कहना है कि वो एक माँ होने के साथ साथ एक अधिकारी भी हैं और इसीलिए वो इन दोनों जिम्मेदारियों को एक साथ निभा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, संवाद 365।